हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जयराम ठाकुर को अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। जयराम ठाकुर के नाम का प्रस्ताव बैठक में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने के लिए सबने मेहनत की। दल की बैठक प्रारंभ हुई। इस बैठक में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रस्ताव किया कि पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री जयराम ठाकुर जी को विधानमंडल दल का नेता चुना जाए। धूमल जी के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शांता कुमार जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, दोनों हमारे नेताओं ने धूमल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। श्री जयराम ठाकुर जी को विधानमंडल दल का नेता घोषित किया जाता है। हम कोशिश करेंगे, जो उम्मीद हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमसे इस जनादेश के साथ व्यक्त की है, उस उम्मीद को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ में जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो एक बहुत बड़ी उम्मीद हिमाचल प्रदेश में इस सरकार से रखी है, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और काफी मंथन के बाद जयराम ठाकुर के नाम पर मोहर लगाई गई और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति के बाद घोषित किया गया। और जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस मुक्त हिमाचल के लिए सबने बहुत मेहनत की है और 5 बार विधायक रह चुके हैं। जयराम ठाकुर मंडी की सिराज सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इनका नाम आगे रखा, जिसके बाद बहुत बड़े मंथन के बाद इनके नाम की घोषणा की गई। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हिमाचल प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिला है। जयराम ठाकुर, ये वो नाम जो हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री सीट है उस पर विराजमान होंगे।